प्रदेश के मैनपुरी के थाना बिछुआ पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनके तीन साथी अंधेरा का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 6500 रुपए, दो तमंचा, जिंदा कारतूस तथा दो चार पहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि पांडे ईंट भट्टा के पास कई बदमाश खड़े हैं और किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और घेराबंदी करते हुए बदमाशों को पकड़ा तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मौके से चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जबकि तीन बदमाश भाग जाने में सफल हो गए। एएसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम सोल्जर सलीम तरसीम कल्लू बताया है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 200-300 बोर के तमंचा, कई कारतूस, 6500 की नकदी, मैक्स पिकअप तथा इको कार बरामद की है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं। इन पर जनपद साहिब एटा फिरोजाबाद के विभिन्न थानों में कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस में मुकदमा दर्ज करने के बाद पकड़े गए बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। भगोड़े बदमाशों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। किया है क्या मामला? जनपद में और आसपास लगातार रहस्यमयी घटना हो रही थी। इस कार में बिछुआ टीम और हमारी सर्विलांस टीम इसमें काम कर रही थी और आज एक मुठभेड़ में चार भैंस चोर पकड़े गए हैं बिछुआ क्षेत्र में और इनके द्वारा कई घटनाएं कबूल की गई हैं। कुछ पांच घटनाओं का इसमें तीन का मालूम बरामद हुआ है। ये सातवें चोर हैं, इसमें से कुछ अलीगंज के हैं। ये जो इनका मेन लीडर है सोल्जर नाम का, वो अलीगंज रहने वाला है। एक वर्तमान में यहाँ भोगाव की भट्टे पे अपना डेरा डाल के रहे थे लोग। इनके पूरा गैंग है, करीब 8-10 लोग हैं ये, और इनके जो छोटा लोडर हैं उनको लेकर आते हैं और बहुत ही सातर अंदाज से अपने काम कार्य अंजाम देते हैं लोग जी। दो मिनट के अंदर ही भैंस लाद करके रफू चक्कर हो जाते हैं और इनके जो है कुछ जो कसाई लोग हैं जो इस कट्टी का कार्य करते हैं उनसे इनके कांटेक्ट हैं और रातों रात ये अपना भैंस ले जाकर उनको सौंप देते हैं और वो किसी न किसी सौठा को भेज देते हैं। वो सर पकड़े गए आरोपियों के जो है क्या अपराध के इतिहास है? ये इनका जो है ये जो सोल्जर राम का जो इनका लीडर है उसके अभी 7 मुकदमे प्रकाश में आए हैं और अभी अन्य जनपद से भी संपर्क करना है कि मूलतः इटा रहने वाला है और वर्तमान में यहाँ ये काम कर रहा था तो इनका इतिहास अभी खंगाला जा रहा है। लेकिन इनके अच्छे छात्र अपराधी हैं, लगातार यही काम करते हैं लोग। कितने आरोपी पकड़े गए? कितने अभी कुल चार तो मुठभेड़ पकड़े गए हैं। उनसे चोरी का सामान बरामद हुआ है और नाजायज असलाह बरामद हुए हैं। तीन मौके फरार हो गए हैं जिनको हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।